हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट असेसमेंट नंबर 4 करने वाले हैं, जो आपकी क्लास 7th की हिंदी मीडियम विज्ञान की वर्कशीट है। देखिए, सभी बच्चे अपने अपने नोटबुक निकाल लेंगे और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट हर बार करता हूँ कि आप लोग इसे एक बार खुद जरूर सॉल्व करोगे, जिससे कि आपको पता चल सके कि एक्चुअल में क्या पूछा है। फिर एट द एंड आप लोग मेरी वर्कशीट से इसे मैच कर सकते हो जो आपने किया है। ठीक है, सबसे पहले आप अपना सब्जेक्ट लिखोगे साइंस, क्लास आपकी 7th है, वर्कशीट असेसमेंट नंबर 4 है, डेट आपकी 29 सितंबर की है। ठीक है, अब देखो इसमें आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए। देखो आपको लिखना क्या है, कुछ बच्चे फालतू चीज लिखना है, आपको सिर्फ ऐ करके लिखना है। कवक हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है, किन्हीं दो तरीकों को व्याख्या कीजिए। तो देखिए, अब ये ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा ही है। काफ़ी बच्चे बहुत बड़ा बड़ा आंसर लिख देते हैं, या अपने गूगल पे सर्च करके अदर यूट्यूब चैनल से देख के लिख देते हैं, पर इसका छोटा सा ही आंसर आ जाएगा। ये है भोजन को खराब करके, ठीक है, एक तो क्या करता है, भोजन को खराब करता है, खराब करके, और क्या करता है, लकड़ी को नष्ट कर देता है। लकड़ी में क्या लग जाते हैं बच्चों, नष्ट करके, ठीक है, और क्या करता है, फसलों जो होती हैं, ठीक है, फसल जो होती है उन्हें फसलों को नुकसान पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, और देखो इसमें एक लाइन और ऐड कर देंगे हम, जिससे बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, हमने इसमें 2 से ज़्यादा ही लिख दिए, क्योंकि देखो हमने बताया लकड़ी को नष्ट करता है, फसलों को नुकसान पहुंचाता है, भोजन को खराब करता है। ठीक है, हमने 3 लिख दिए बल्कि, जिससे बीमारियां, जिससे बीमारियां का कारण बनता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट। इसमें दिया गया है आपका कि उपयोग शब्दों के साथ कथनों को पूरा करें। ठीक है, अब देखो, पौधों को अपना पोषण कीड़ों से मिलता है, ऐसे कौन से पौधे होते हैं जिन्हें अपना पोषण किससे, कीड़ों से मिलता, तो इसे इन्हें बोलते हैं कीट भक्षी। ठीक है, कीट भक्षी, भक्षी। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट को समझने में दिक्कत आ रही होगी। देखो पहले आप लिखोगे कीट ठीक है बच्चों, अब चलते हैं परजीवी पौधे का कोई उदाहरण बताना है। तो आपको पता ही है अमरबेल किसका है, परजीवी पौधे का उदाहरण है अमरबेल। ठीक है, अब चलते हैं नीचे, प्रकाश संश्लेषण जीवों के अस्तित्व के लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि यह वातावरण में ऑक्सीजन का महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि यह वातावरण में ऑक्सीजन का महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें दिया गया मृतजीवी पोषण को परिभाषित कीजिए। इसमें इसमें क्या होता है, जीव मृत या सड़ने वाले पदार्थ से भोजन प्राप्त करते हैं। मृतजीव क्या करते हैं, ये लोग अपना भोजन या तो जीवमृत से या फिर सड़ने वाले पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट दिया गया है किन्हीं दो उपयोगी कवकों के नाम लिखिए।
ठीक है, आपको दो उपयोगी किसके कवक के नाम बताने हैं। ठीक है, देखिए इसमें आप कुछ भी, एक तो पेनिसिलिन लिख सकते हो, ठीक है, और आपका ये दो क्वेश्चन बचे हैं, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, आपका ये भी दिया गया है इसमें। ठीक है, तो पहले हम इसके दो उपयोगी लिखेंगे, तो आपका पेनिसिलियम, ठीक है, फर्स्ट आपका हो गया पेनिसिलियम, नोटेटम, क्लेबी, सेप्स, पुरपुरिया। ठीक है, अब चलते हैं, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, लास्ट क्वेश्चन आपका। इसके बाद और भी है बच्चों, जीवों को ऊर्जा प्राप्त करने और जीवन प्रक्रियाओं, ठीक है, जीवन में जो भी प्रक्रिया होती है को करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, आपने क्या लिखा कि जीवों को ऊर्जा प्राप्त करने और जीवन प्रक्रियाओं को करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अब नीचे चलते हैं कि इसमें दिया गया सेकंड में, थोड़ा संक्षेप में देना, स्वपोषी और विषमपोषी के बीच दो दो उदाहरण बताने। देखो इसमें आप स्टार्टिंग से लिखोगे, पहले हम लिखते हैं देखो स्वपोषी क्या होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो सबसे पहले आप लिखोगे स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो क्या करते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये तो एक हो गया। जबकि विषमपोषी दूसरों पर निर्भर होते हैं, निर्भर होते हैं। अब देखो स्वपोषी, एक और उदाहरण लिख देते हैं, सूर्य से ऊर्जा का निर्माण करने में सक्षम है,
लेकिन विषमपोषी ऊर्जा के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में अनिवार्य आवश्यकता उत्पाद का क्या है। ठीक है, आपको ये कंप्लीट करना है नीचे जो दिया गया है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया अनिवार्य आवश्यकता उत्पाद क्या है, नीचे दिखाए गए प्रकाश संश्लेषण चित्र में मेदी बॉक्स में लिखिए। ठीक है, पहले तो आपको ये करना है, फिर आपको पहले आपको लिखना है। ठीक है, आप लिखोगे इसमें आंसर नंबर 5, फिर आपको ये कंप्लीट करना है। इसके आवश्यक घटक लिखोगे, आवश्यक घटक क्या क्या हैं। पहला आप लिखोगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, आप लिखोगे जल, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है बच्चों, क्या हुआ CO2 जल हुआ, सूर्य CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ठीक है, पहले ही आपने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसे डायग्राम में, आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, सबसे पहले आपको इसमें दिया गया सूर्य का प्रकाश, ये क्या दिया जा रहा है यहाँ पे, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट में क्या दिया गया है, ग्लूकोज, ठीक है, यहाँ जय आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें आपका क्या है CO2, ठीक है, आप इसमें CO2 लिखोगे, इसमें आप क्या लिखोगे ऑक्सीजन O2, क्योंकि CO2 ले रहा है ऑक्सीजन छोड़ रहा है। ठीक है बच्चों, और ये आपका एट द एंड नीचे क्या है, देखो बच्चों आपका हमने क्या क्या लिखा है एक बार हम रिमाइंड करते हैं, क्योंकि इसमें देखो एक तो आवश्यक घट हमने CO2 लिख दिया, जल लिख दिया हमने, ठीक है, नहीं बच्चों आप यहाँ से जल लिखोगे, ठीक है, आपका क्या रह गया, जल रह गया, तो यहाँ पे आप जल लिखोगे। ठीक है बच्चों, तो ये पूरी वर्कशीट कंप्लीट हुई, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आई होगी एक एक चीज, क्योंकि मैं वर्कशीट लिख के समझाता हूँ, ऐसा पूरे यूट्यूब पर बच्चों कोई नहीं कराता है। ठीक है, तो देखिए मेरे दूसरे चैनल का नाम है, वो है सुजीत सिंह, तो आप लोग उस चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, उस पे न्यू वीडियो आने वाले हैं, इसमें व्लॉग के द्वारा आपको लाइव गिफ्ट दिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद जय भारत। 8 400 400 400, ये नंबर सभी बच्चे याद कर लें, चाहे आपका मैथ का डाउट हो, फिजिक्स का डाउट हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट का डाउट हो, उसका क्वेश्चन जानने के लिए, तुरंत सॉल्यूशन पाने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करें 8 400 400 400 पे, नंबर को ऐड करें और क्वेश्चन का फ़ोटो खींचें, फिर उसे क्रॉप करें, क्रॉप करने के बाद इस नंबर पे सेंड करें, तुरंत 6 सेकंड में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 6 से लेकर 12 IIT, नीट, CBSE बोर्ड एंड एनी अदर बोर्ड के कोई भी डाउट जानने के लिए 8 400 400 400 डाउट नव ऐप को डाउनलोड करें और तुरंत इसका सॉल्यूशन